हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। आओ असीं कढ़ांगे मत्ती चौबी दी चार विचों पढ़ांगे। मत्ती चौबी दी चार, यीशु ने उन्हां नूं उत्तर दिता, चौकस रहो भई तुहानूं कोई भुलावे विच ना पावे, क्यों जो मेरा नाम धार के बथेरे ये कहणगे कहिंदे आउणगे जो मैं मसीह हाँ, अते बहुतियां नूं भुलावे विच पा देणगे। तुसीं लड़ाइयां अते लड़ाइयां दीआं आवाइयां सुणोगे, खबरदार किते घबरा ना जाणा, क्यों जो ये गल्लां जो होणियां ही हन पर अजे अंत नहीं। कौम कौम उत्ते पातशाही करेगी, चढ़ाई करेगी अते थां थां अकाल पैणगे, भूचाल आउणगे, ये सब कुछ पीड़ा का आरंभ है। तद वह तुहानू बिपता लई फड़वा देणगे और तुहानू मार देणगे, अते मेरे नाम दे कारण सारियां कौमां तुहाडे नाल वैर रखणगियां, अते उस समय बथेरे ठोकर खाणगे अते एक दूए नू फड़वाउणगे, एक दूजे नू फड़ावेगा अते एक दूजे नाल वैर रखेगा, और बहुत सारे झूठे नबी उठणगे अते बथेरियां नू भुलावे विच पा देणगे, अते कुधर्म दे वधण कारण बहुतियां दी प्रीत ठंडी हो जावेगी, पर जेड़ा अंत तोड़ी सहेगा सोई ओ बचाया जावेगा। खुदा दे पढ़े हुए वचन दे लई खुदा दा धन्नवाद करदे हां। आओ सब मिलके प्रार्थना करदे हां। हालेलुया, धन्नवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता, असीं अंत दे समें विच रह रहे हां मेरे महान पिता, जदों लोक खुदावंद प्रभु यीशु मसीह स्वार्थी हो चुके हन खुदावंदा मेरे महान पिता, कोई भी तेरे वचन दे नाल प्रेम करन वाला नहीं है खुदावंद, क्योंकि लोकां दी प्रीत ठंडी पै गई है, लेकिन तेरा वचन दसदा है जेड़ा अंत तोड़ी सहेगा सोई ओ बचाया जावेगा। ते सचमुच मेरे महान पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, कोई है जो अंत तोड़ी सह सकता है खुदावन? वो तेरी दुल्हन है प्रभु जी, जो अंत तोड़ी सहेगी प्रभु जी, क्योंकि मेरे महान पिता अंत तोड़ी कोई भी होर नहीं सह सकता खुदावन, क्योंकि तेरे चुने होया वंशी है खुदावन जो अंत तोड़ी सह सकता है, ते वो तेरी दुल्हन है प्रभु यीशु मसीह। तू वड्डी दया कर, कृपा कर मेरे महान पिता, तू इस नूं सानू प्रभु यीशु मसीह आखरी युग दे विच तू संभाल के रखिया सी, तेरा धन्नवाद करदे हां। जित तक तू नहीं आंदा प्रभु यीशु मसीह, असीं प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन दे विच निंदिया नूं सहंदे हां खुदावंदा, दुखां नूं सहंदे हां ते अगे वधदे जांदे हां खुदावन, क्योंकि असीं तेरी ओ पवित्र कौम हां खुदावंदा, तेरे ओ प्रभु यीशु मसीह मसा कीते हुए लोग हां खुदावंदा, जिन्हां नूं तू प्रभु यीशु मसीह अख चमकदे सार होर दा होर कर देवेंगा खुदावंदा। एक दिन तू आवेंगा ते रैप्चर विच अपनी दुल्हन नूं लै जावेंगा। तू वड्डी दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह, बोलण वाला कोई मांस अते लहू ना होवे, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे खुदावंद, दस दे संदेश नूं खुदावंद लोकां दे हिरदे विच प्रभु यीशु मसीह इस तरह लैके जा खुदावंद प्रभु जी, कि लोकां दे जीवन बदल जाण। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दिंदे हां, आमीन हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ मत्ती 24 दे विचों वी किस तरह वचन दे विच लिखिया वी अंत दे समें विच की कुछ होवेगा, लड़ाइयां होणगियां, भूचाल होणगे, बहुत कुछ अंत दे समें विच होणा आ, लेकिन बाइबल विच साफ ते क्लीयर लिखिया आ, अते कुधर्म दे कारण, कुधर्म दे वधन दे कारण बहुतियां दी प्रीत ठंडी हो जावेगी। हुण बड़े लोग खुदा दे मगर होणगे, लेकिन कईयां दी प्रीत ठंडी हो जावेगी। अज असीं वेखदे आ बड़े लोग जिन्हां दी प्रीत ठंडी हो चुकी है, लेकिन बाइबल विच साफ लिखिया है पर जेड़ा अंत तोड़ी सहेगा सोईयो बचाया जावेगा। कौन बचाया जावेगा? हजारा लखा करोड़ा दी भीड़ प्रभु दे पिछे है, लोकी संदेश दे विच हन, लेकिन की हुंदा है एक भैन भाई जदों संदेश दे चर्च नूं छड़ के चला जांदा है, उह संसार दे नाल मित्रचारा रखदा है, क्यों इस तरह हुंदा? क्योंकि उहदी प्रीत ठंडी हो जांदी आ, ते जिहदी प्रीत ठंडी हो गई मसीह दे विच ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਫ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋਈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਲਹਨ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਨੂੰ अपने रिश्तेदारियां दी छड्डियां जांदियां, लोग अपने रिश्तेदारियां भी चले जांदे हन, संसार भी चले जांदे हन, क्योंकि संसार की है? संसार ये रिश्तेदारियां ही संसार है। बहुत लोग अपने सेवकां नूं छड्ड के चले जांदे, लोकां दी प्रीत ठंडी पै चुकी है, अज लोकां दे अंदर मसीह सुभा नहीं रहा, लोकां दे अंदर वो प्रेम नहीं है जो होना चाहिदा आ, जो ठंडक उन्होंने अंदर होनी चाहिए, जो प्रेम उन्होंने अंदर होना चाहिए, वो लोगों के अंदर प्रेम नहीं रहा, क्योंकि हरेक मनुख अज की है स्वार्थी है,
हरेक मनुख चर्च विच इस करके आंदा भी मैं नरक दी अग तो बच जावा, लेकिन तन ओ मनुख है जो चर्च इस करके आंदा है, मसीह जीवन इस करके जिंदा है क्योंकि वो कहता है प्रभु यीशु मसीह मैं तेनू प्यार करना, मैं तेनू प्यार करती हाँ। लेकिन बड़े लोग ने जेड़े मसीहत नू छड़ के भज जाते हैं, वो कहते असी संदेश वाला जीवन नहीं जी सकते, वो चले जाते हैं, वो कहते हैं असी फस गए इस संदेश दे विच आ के। यह कहे लोग ने जिन्हों की प्रीत ठंडी हो गई, जिन्हों ने देखिया भी थोड़िया जी मुसीबत परेशानियां आई तो उन्होंने भजना शुरू कर दिता। ये लोग कदे भी खुदा दे राज दे वारस नहीं होणगे, इस गल्ल नू हमेशा याद रखना है क्योंकि बाइबल च लिखिया। लोग कई बार कह देंदे ने भी सानू वचन सुना के सानू लगा के वचन दस्या जांदा है, लेकिन इत्थे कुछ भी इस तरह का नहीं है। जो बाइबल बयान करती है, जो खुदा दे नबी दे संदेश बयान करते हैं उही बोलिया जांदा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, बाइबल च साफ लिखिया जिहड़ा अंत तोड़ी सहेगा सोई वह बचाया जाएगा, अते राज दी इस खुशखबरी का प्रचार सारी दुनिया विच कीता जाएगा, जो सब कौमां उत्ते साखी होवे तद अंत आएगा। हम साफ लिखिया आ कि लोगों की प्रीत ठंडी पै जाएगी, ठीक है ना, जिहड़ा अंत तोड़ी सहेगा। हुण जिहड़ी प्रीत ठंडी पै गई तो फिर इहदा मतलब आ भी वह खुदा दे राज विच दाखल नहीं होगा। बाइबल साफ बयान करती है जिहड़ा अंत तोड़ी सहेगा, चाहे लख मुसीबत परेशानियां कुछ भी होवे सहना पैना है इस मसीह जीवन दे विच, तुहानू दुखां परेशानियां बीमारियां लोकां दे ताने मैणे गरीबी हरेक सिस्टम दे विचों तुहानू निकलना पवेगा। हो सकदा तुहाडे घरां दे हालात खराब हो जाण, लेकिन जे तुहाडा विश्वास खुदा दे उपर है, जिस तरह इब्राहिम ने खुदा ते विश्वास किया, लख दुखां परेशानियां कंडीशनां दे विचों निकलिया लेकिन उहने खुदा दे उपर विश्वास नू अटल रखिया, वह डोलिया नहीं। बाइबल बयान करती है इब्राहिम विश्वास का पिता सी, वह अपने विश्वास तो डोलिया नहीं। लेकिन अज बथेरे लोग हैं जिहड़े डोल जाते हैं, रैप्चर प्राप्त करना चाहते हैं, लोग कहते चलना नहीं असी चलना नहीं, असी संसार दे विच रहना है। एहो जे लोग खुदा पसंद नहीं करता, क्योंकि बाइबल साफ बयान करती है संसार का मित्र ज्यादा खुदा दे लई की आ वैर आ। वो लोग वैरी हैं जिहड़े खुदा दे वचन नू पिछे रखदे आ, वह कौन आ, सप दीआं संतानां हन। खुदा दे वचन नाल कौन प्यार करता है, खुदा दे वचन दे नाल सिर्फ खुदा दे धीआं पुत्तर प्यार कर सकदे, लेकिन खुदा दे वचन नू कोई इदो तोड़दा मरोड़दा आ, इदो खुदा दे वचन दे नाल आना कानी करदा, वह कहिंदा मैं नहीं चल सकदा। यह साफ बयान करता है भी वह किहदी वंश हन वह लोग, क्योंकि खुदा दी वंश हमेशा खुदा दे पिछे जांदी, खुदा दीआं भेड़ां हमेशा अपने अयाली दे पिछे चलदीआं हन, चाहे उत्थे बहुत सारे अयाली होण, लेकिन खुदा दीआं भेड़ां नूं पता हुंदा है भी मेरा अयाली कित्थे है। एक बच्चा बहुत सारी भीड़ दे विच्चों भी अपने पिता दी आवाज़ नूं पछाण के उहदे पिछे जांदा है, चाहे उत्थे बहुत सारे पिता खड़े होण, लेकिन एक बच्चा जानता है मेरे पिता ने आवाज़ लगाई है, वो अपने पिता की आवाज़ नूं जानता है। इसे तरह एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा भैन भाई जो खुदा का धी पुत्र है, वो अपने पिता की आवाज़ नूं जानता है तो वह अंत तोड़ी सहेगा। लेकिन असीं वेखदे बहुत सारे लोग जिन्हां की प्रीत अज ठंडी पै गई, वो कई लोग इस चर्च के विचों भी बाहर चले गए, क्योंकि वह कहते असीं चल नहीं सकते, असी अपने रिश्तेदारां नूं नहीं छड़ सकते। जिहड़े रिश्तेदार मौत दे विच खड़े हन उहनां नूं चंबड़दे आ लोग जाके, ते इहो जे लोकां दा बचना बड़ा ही मुश्किल है। इह ओह लाइन नहीं आ बाबे वाली भी आए ते चले गए इत्थों के, दान दशमांस पाया हाथ जोड़े के चले गए, ये मसीह दी लाइन है। इस जगह दे विच जे चलना है तुहानूं अपना सब कुछ समर्पित करना पैना, अपने आप नूं खत्म करना पैना आ, अपनी स्लीप आप चुक के तुरना पैना, ताड़ी स्लीप कोई नहीं चुकेगा। अपनी स्लीप चुकण दा मतलब है मसीह दे पिछे पिछे चलना, उहदी अगवाई दे विच चलना, दुखां विचों होके चलना, यह है मसीह दी स्लीप चकना। लेकिन अज लोग मसीह दी स्लीप नूं चकना नहीं चाहते, वो अपनी स्लीप नहीं चकना चाहते। इस करके तुसी देखो लोगों के जीवन अज किदां दे हो गए हैं, लोग ठंडे पै चुके हैं, लेकिन जिहड़ा अंत तोड़ी सहेगा बचाया उही जाना, इस गल नूं हमेशा याद रखना है। रेस तो बहुत जने लगाते हैं,
ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰੇਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਦੌੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹੀ ਟਰੋਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇ ਹੋਣ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਛੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਘੁੱਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਕਬੂਤਰ ਘਰੇਲੂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਘੁੱਗੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਘੁੱਗੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੇਲਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਘੁੱਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਭੇੜੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਭੇੜੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇੜੀਏ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮਿਜਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮਿਜਾਜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਲੇਲੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਹਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਲੇ ਦੀ ਨਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਦੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਲੋਕੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
इस करके पवित्र आत्मा कदे इहो जिहे लोकां दी अगुवाई नहीं करता जिन्हां दे सुभाअ नहीं बदलदे। लोकां दे हिरदे अज भी पत्थर बने हुए हन क्योंकि उन्हां दे सुभाअ बदल नहीं रहे, क्योंकि खुदा दे विच उन्हां दी कोई भी वचन विच चलण वाली प्रेरणा नहीं है। अज लोग कह दिंदे हन असीं खुदा नूं प्यार करदे आ, लेकिन खुदा नूं प्यार करन वाले लोकां दे काम बड़े वल्ले हुंदे। तुहानूं पता जिहड़ा मनुख खुदा नूं प्यार करदा उह किसे दी परवाह नहीं करदा, जिहड़ा भी मनुख खुदा नूं प्यार करदा। लेकिन तुसीं अज देखो लोग खुदा नूं कित्थे प्यार करदे आ, जदों किसी नूं कुछ समझाया जांदा है, वचन चों दस्सिया जांदा है, लोग ठोकर खा के भज जांदे आ। उह कहिंदे असीं नहीं चल सकदे, असीं इन्नी सख्त सिक्ख्या च नहीं चल सकदे। इह सख्त सिक्ख्या ही इक दिन रैप्चर दे विच सानूं प्रवेश करवावेगी। जे तुसीं खुदा दे वचन च सही तरीके दे नाल चलोगे ते एक दिन तुसीं उठाए भी जावोगे। इस गल नूं याद रखना है। जे नूह ने अपने जीवन भर दुख सहे, 120 साल उहने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, उसकी किश्ती का प्रचार किया उहने, ठीक है, ते ओ ते उहदा परिवार बचाए गए। लेकिन तुसीं अज वेखो किस तरह लोग अपने आप नूं कठोर कर लेंदे हन। उह कहिंदे असीं वचन ते नहीं चलना। जे तुसीं वचन ते नहीं चलना ते किसी दा कुछ नहीं जाना। नूह दे समें भी बड़े लोग सीगे जिहड़े कहिंदे सी असीं वचन ते नहीं चलना, लेकिन जदों वर्खा शुरू हुई फिर वह लोग चीका मारनियां शुरू करती। जिहड़े लोग नूह दी किश्ती विच आ के थुकदे सीगे, उहदी किश्ती दे उपर गंध सिटदे सी, उही लोग किश्ती नूं फड़दे सी जाके कि किश्ती दा दरवाजा खुल जावे। लेकिन भाई ब्रैनम ने कहा वह लोगों के उपर न्याय पै चुकिया सीगा। इसे तरह अज भी लोग, भाई ब्रैनम ने कहा खुदा किसनूं नहीं मारदा, खुदा कदे किसनूं नहीं मारदा, लोग अपने आप को खुद मारते हैं। जो अज समय का संदेश उतर चुकिया है भाई विलियम मैरिज ब्रैनम के द्वारा दिते गए संदेशों के विच, उसकी आवाज प्रगट हो चुकी है खुदा की। लोगों को जो संदेश दसिया जाता है, लोग चर्चा में आते हैं, साल साल दो दो साल आते हैं, बैप्टाइज ले लेंगे, लेकिन जो चलन की बारी आती है लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो कहते दौड़ के दुनिया में जाके साड़ा रैप्चर हो जाए। वो लोग बड़े वड्डे भुलेखे विच हन, उन्हां दा सुभाअ किहड़ा सुभाअ है, उन्हां दा सुभाअ कुत्तियां ते सूरां वर्गा है, जिन्हों नुआया धोया तो सूर नहीं फिर चिकड़ दे विच। इहो जिहे सुभाअ वाले लोग कदे भी रैप्चर दे विच नहीं जाणगे। इस गल नूं याद रखना, रैप्चर कोई मजाक नहीं है, सोचां दा बदलना रैप्चर है। जे अज मनुख दीआं सोचां ही नहीं बदल रहीआं ते रैप्चर दा ओह मनुख क्यों फिर अनुमान लगांदा वी साडा रैप्चर हो जावेगा। अज लोकां दे जीवन तुसीं देख लो किदां दे जीवन आ। असीं प्रभु नूं प्यार करदे आ, जे तुसीं प्रभु नूं प्यार करदे तां प्रभु दे जिहड़े लोग प्रभु नूं प्यार करदे प्रभु दे कम्मां नूं वी ओह करदे हन। प्रगटावा वी हुंदा, प्यार दा प्रगटावा वी तां कुछ हुंदा आ। जे तुसीं किस नूं प्यार करदे हो तां उस प्यार दा प्रगटावा वी तां हुंदा कुछ। अज लोग कहिंदे असीं प्रभु नूं प्यार करदे हन लेकिन प्रगटावा कुछ भी नहीं है, काम कुछ भी नहीं है खुदा दे लई, कोई समर्पित जीवन नहीं, कोई खुदा दे लई काम नहीं है। जदों कुछ करन दी वारी आंदी लोग अपने हाथ जोड़ के भज जांदे हन, असीं खुदा दी कुछ नहीं कर सकदे। ओ भाई जे तू नहीं कर सकदा ते खुदा किसी होर नूं खड़ा करेगा कम करन दे लई, क्योंकि खुदा दे चुने हुए लोग काम करदे हन हमेशा। इस गल नूं हमेशा याद रखना, खुदा दे चुने हुए लोग हमेशा काम करदे हन। नबी ने कहा देखो घुग्गी कई प्रकार की होंदी है, ठीक है ना, नबी कहिंदा घुग्गी कई प्रकार की होंदी है। वेखो घुग्गी की बनावट या रचना बहुत अजीब है क्योंकि उसकी आदत है कि वह कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खा सकती। और नबी ने कहा जिहड़ी घुग्गी आ वह कोई भी उसकी बनावट बड़ी अजीब होंदी आ, वह कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खा सकती। वह अजिहा बस कर ही नहीं सकती क्योंकि वह गंदिया चीजा खाण लई बनाई ही नहीं गई है। जिहड़ी एक घुग्गी है वह गंदिया चीजा खाण दे लई नबी ने क्या बनाई ही नहीं गई है। घुग्गी का जीवन इदां दा हुंदा आ, ठीक है ना। घुग्गी कदे भी कोई पवित्र आत्मा पाया होया मनुख कदे भी गलती नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता कदे भी, ठीक है ना। वचन तो बाहर वो काम नहीं कर सकता।
इस गल को हमेशा याद रखना, कोई भी गलत चीज नहीं खा सकता पवित्र आत्मा पाया हुआ मनुख। लेकिन तुसी आज वेखो लोग कितना भटके हुए ने चर्च विच आत्मिक, जिद्दां ही बाहर गए शरीरक नाल शरीर दे नाल भरे हुए लोग बन जाते हैं। सारे शरीरक काम लोग करते हैं जिहड़े उन्हां नूं करने योग नहीं है। लेकिन घुग्गी का सुभाग का नहीं हुंदा, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग दोगले नहीं हुंदे। अज बड़े लोग दोगले आ, चर्च ते आए तां आत्मिक, बाहर चल गए तां संसारिक। ये लोग सब तो खतरनाक हुंदे, इस गल नूं हमेशा याद रखना है। ते इहो जिहे लोग कदे भी पार नहीं लंघ सकते। जे उह भुलेखे विच बैठे हन वी असीं खुदा नूं वी खुश कर लवांगे, संसार नूं रिश्तेदारियां नूं खुश कर लवांगे, उह लोग बड़े वड्डे भुलेखे विच हन। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ। ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਲੋਕ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲਏ, 4 ਦਿਨ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਆ, ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਘੁੱਗੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਘੁੱਗੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਦ ਮੰਦ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਮਾਸ ਸਭ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚੂਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਚੂਰੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਭ ਗੰਦ ਮੰਦ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਂ ਬੇਹੀ ਸੜੀ ਗਲੀ ਲੋਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਮਾਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਦਮਿਕ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੋਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ, ਕਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਘੁੱਗੀ ਉਸਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਲੋਥ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ। ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਂ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾ ਹੈ, ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮਦਾਰੀ ਗਿਰਜੇ ਦਾ ਮਸੀਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਸਲੀ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਸੀਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂ ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਘੁੱਗੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕ ਨੇ ਦੇਖ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
उसदे कोई पिता नहीं हुंदा क्योंकि उसनू उसदी कोई जरूरत नहीं हुंदी। भाई ब्रैनम ने कहा है घुग्गी जां कबूतर दे पिता नहीं हुंदा इस करके क्योंकि उसनू उसदी कोई लोड़ नहीं हुंदी, जरूरत नहीं हुंदी क्योंकि उन्हें वो गंदगी नू खाना ही नहीं। लेकिन जिहड़ा कां है वो हरेक तरह की गंदगी नू खांदा है। एक झूठा ढोंगी विश्वासी हरेक तरह की गंदगी नू खा लैंदा है, संसार की गंदगी नू खा के वह चर्च दे विच भी आ जांदा है। इह सुभाअ है उहदा। हुण वेखो कि घुग्गी दे कोई पिता नहीं हुंदा इसलिए वह गंदियां चीजां नहीं खा सकदी। हुण भाई ब्रैनम ने कहा घुग्गी दे कोई भी पिता नहीं हुंदा इस करके वह गंदियां चीजां खाई नहीं सकदी। कोई त्रात्मा पाया होया भैण भाई गलत जीवन बतीत कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके सुभा दे विच कौन आ गया, मसीह आ गया। जो मसीह किसका सुभा बन जाता है ओ मनुख गंदियां चीजा नहीं खांदा। इस गल नूं हमेशा याद रखना है, किसी भी सड़ी गली चीज नूं खाना उसके विरुद्ध होगा। जेकर ओ अजिहा करेगी तो मर जाएगी, पर खतरे की कोई गल नहीं है, वो गंदे खाने नू खावेगी ही नहीं क्योंकि उसनू उसकी भुख ही नहीं। एक आत्मिक मनुख कदे भी गंदे खाने नू नहीं खांदा, एक आत्मिक मनुख कदे भी संसार की गंदगी नू खांदा नहीं है क्योंकि उसनू लोड़ ही नहीं है। उसनू किसी की लोड़ हुंदी है, उसनू हमेशा खुदा दे वचन दे खाने की लोड़ हुंदी है। एक सच्चा विश्वासी हमेशा खुदा दे वचन नू खांदा है, इस गल नू हमेशा याद रखना। लेकिन ढोंगी संसार च भी घूमी जाता, बड़े एहो जे लोग ने शराबा पींदे आ, गलत काम करदे आ ते जाके प्रभु भोज भी लै लैंदे ने चर्चा दे विच। ए कौन ने, सब कां आ, ए सब दे सब कां आ। भंगड़े पा लैंदे ने, फिल्मां वेख लैंदे ने, हैं मेकअप करा लैंदे ने अपनी पत्नियां नू, ठीक है, फिर चर्चा विच जाके बैठ जाते प्रभु भोज लै लैंदे ने। ए कौन ने, सब कां आ। जिन्हां दे सुभा गलत ने वो सब कुछ खाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हां दा बचाव नहीं होगा। जिहड़ा मनुख कां दे सुभा दे विच चलेगा वो एक दिन मारिया जाएगा। एक असली मसीह व्यक्ति दे नाल अजिहा ही है कि तुहानू पता है एक असली मसीह व्यक्ति दे हिस्से विच कोई पाप नहीं हुंदा। असली मसीह व्यक्ति दे हिस्से च कदे कोई पाप नहीं हुंदा। दाऊद ने कहा सी कि तन है वो मनुख खुदा जिसदे पाप नहीं गिणदा। खुदा दे नाम दी महिमा होवे। दाऊद ने कहा तन है वो मनुख खुदा जिसदे पाप नहीं गिणदा। जदों तुहानू लेले दे लहू दे नाल धोता जा चुका उदों खुदा तुहाडे लई किसी भी कम नूं तुहाडे विरुद्ध नहीं गिणदा क्योंकि तुसीं उसदे लहू दे थल्ले हो अते ओ उन्हां कमियां नूं नहीं वेखदा। खुदा दे नाम दी महिमा होवे। जदों कोई खुदा दे लहू दे थल्ले हुंदा है ते खुदा उहदियां कमियां नूं नहीं वेखदा। इस गल नूं हमेशा याद रखना है क्योंकि जिहदे उपर खुदा दा पवित्र आत्मा है, जिहदे उपर खुदा दी मोहर लगी है, खुदा वंद उसकी हमेशा रखवाली करता है। मौत का फरिश्ता भी दूरों लंघ जाता डरता होया जिहदे उपर लहू लग्या होया हुंदा है। इस गल नूं याद रखना है। तुहाडे लई उसदे लहू की कुरबानी उपलब्ध है जिवें कि उसने तुहानू जगत की उत्पत्ति तो पहला वेख्या सी। जदों उसने लेले दे जीवन की पोथी विच तुहाडा नाम लिखिया सी ओ बस उसे तरह नाल लहू विचों होके तुहानू वेख सकता है क्योंकि इसे तरह तुहानू वेख सकता है क्योंकि तुसी कदे भी जो कुछ कीता सी तुसी हर एक उस गुनाह तो छुड़ाए गए हो जो तुसी कीता। तुसी लेले दे लहू द्वारा धोते गए हो इसे लई तुहाडे विच कोई पिता नहीं है। हुण देखो पिता गल पिते दी आ रही है, कबूतर विच पिता नहीं हुंदा। भाई ब्रैनम ने कहा तुसी लेले दे लहू विच धोते गए हो इस करके तुहाडे विच कोई पिता नहीं है। तुसी पाप पवित्र कीते गए हो इस करके तुसी कां वांगू बाहर संसार की गंदगी नहीं खाओगे। लेकिन ये संसार की गंदगी खाण वाले कुछ लोग हन जिन्हां दे विच पिता है, ओ सुभा है गंदगी वाला, ठीक है ना। लेकिन नबी ने कहा है तुहाडे विच कोई पिता नहीं है
क्योंकि तुसी लेले दे लहू दे द्वारा धोते गए हो। ये फर्क आ आत्मिक लोकां दे विच ते संसारिक लोकां दे विच। संसारिक लोग क्यों पाप ते पाप करी जांदे हन, जिहड़े ढोंगी हुंदे हन क्यों पाप करदे हन, क्यों गलतियां करदे हन, क्यों संसार दी गंदगी खांदे हन, क्योंकि वह लेले दे लहू दे नाल धोते नहीं गए। इदों मूसा ने इजरायली लोगों बाहर कढ़िया सी, रली मिली भीड़ नाल आ गई सी, लेकिन सारे कनान दे विच प्रवेश नहीं कर पाए सीगे। सारे उस वायदा की हुई धरती विच प्रवेश नहीं कर पाए सीगे, लेकिन सिर्फ दो सीगे जेड़े लेले दे लहू दे नाल धोते गए सी, जिन्हां नाम यहोशुआ ते कलेब सी। वो दो ही उस जगह विच प्रवेश किते, बाकी सब दे सब मारे गए, क्योंकि उन्हां लोकां ने बेप्रतीति की, खुदा दे वचन ते विश्वास नहीं किया। उन्हां लोकां ने अज भी इसे तरह है। खुदा दे बड़े लोग हैं जिहड़े खुदा ते विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिहड़े खुदा दे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह खुदा नूं अपना पिता कहिंदे हैं। वह भुलेखे विच हैं। हर कोई इब्राहिम नूं अपना पिता कहण वाला उसका बेटा नहीं है। इस गल नूं हमेशा याद रखना। अज हर कोई कहिंदा मैं इब्राहिम की संतान हाँ, मैं खुदा की संतान हाँ, कहण दे नाल नहीं। जिहड़ा लेले दे लहू दे नाल धोता होया है ओही इब्राहिम दी संतान है। इस गल नूं याद रखना हमेशा। हुण देखो भाई ब्रैनम ने कहा, भाई ब्रैनम अपने जीवन बारे दस रहे हैं। भाई ब्रैनम ने कहा मैं कदे सिगरट नहीं पीती। भाई ब्रैनम ने कहा मैं कदे सिगरट नहीं पीती, लेकिन जे मैं पी भी लवां तां मैनूं इस गलती लई खुदा माफ कर देवेगा। मैनूं विश्वास है कि वह माफ कर देवेगा। जेकर मैं शराब पी लवां जो कि मैं जिंदगी विच कदे नहीं पीती, तां मैनूं विश्वास है कि मैनूं वह माफ कर देवेगा। पर मैं उसनूं बहुत प्यार करदा हाँ अते अजिहा कुछ करना नहीं चाहुंदा। खुदा मेरी मदद करे, मैं उसनूं प्यार करदा हाँ। यह सब कुछ मेरे तो दूर चलिया गया है, छुट गया है, क्योंकि जद उसने मैनूं एक कां तो घुग्गी विच बदलिया तां मेरी आदत भी बदल गई अते गंदियां चीज़ां दी भुख खत्म हो गई। वो कहता गंदियां चीजा की भुख खत्म हो गई। जो तुम एक कां तो घुग्गी विच बदल दिता गया है तो ताड़े विच गंदियां चीजा संसार दियां चीजा नहीं होनिया चाहीदियां। लेकिन जिन्हों कां तो घुग्गी बना दिता गया है उन्होंने विच चीजा नहीं रहिंदियां। इस गल नूं हमेशा याद रखना है। इस करके नबी ने कहा है ये सब कुछ मेरे तो दूर चलिया गया है, छुट गया है, क्योंकि जद उसने मैनू एक कां तो घुग्गी विच बदलिया तो मेरी आदत भी बदल गई अते गंदियां चीजां दी भुख खत्म हो गई। जदों तुसी मसीह दे लहू दे विच धो दित्ते जांदे हो ते ताडे विचों सब गंदियां आदतां खत्म हो जांदियां हन। इस गल नूं हमेशा याद रखना। जब तक कोई यीशु मसीह दे लहू तों नहाता नहीं गया हुंदा ते ओह संसार विच घूमदा रहिंदा है, ओह गंदगी नूं खांदा रहिंदा है। हुण पाप मेरे विच गिणिया नहीं जांदा क्योंकि मेरा मकसद पाप करना नहीं है। भाई ब्रैनम ने कहा हुण पाप साडे विच गिणिया नहीं जांदा, मेरे विच गिणिया नहीं जांदा, क्योंकि पाप करना मेरा मकसद नहीं रहा। मेरे विच कुछ अजिहा नहीं है जो पाप करवावे। जदों खुदा ताडे विच उतर जांदा है, देहधारी हो जांदा है, उदों तुसी पाप करन वाली क्रिया तो मुक्त हो जांदे हो। ताडे अंदरों क्रिया नहीं हुंदी जिहड़ी पाप कर लवे फिर, ठीक है ना। इस गल नूं हमेशा याद रखना। लेकिन जदों तक ताडा सुभाअ नहीं बदलता, ताडे कोल खुदा दा पवित्र आत्मा नहीं है, तुसी उहदे लहू दे नाल नहाते नहीं गए, धोते नहीं गए, उदों तक तुसी गंदगी खाई जाओगे, संसार की गंदगी, जिदा कां संसार की गंदगी नूं खांदा गया। भाई ब्रैनम ने कहा जदों नूह किश्ती विच सी ते उसने वेख्या भी मैं बाहर का जायजा लवां ते उसने कां नूं बाहर भेजिया ते कां जदों गया ते वह वापस मुड़ के नहीं आया। कां गंदगी नूं खा रहा सीगा, ठीक है ना। जिहड़ा मनुख संसारिक हुंदा आ उह संसार विच जदों चला जांदा आ ते उह फिर की करदा आ, उह गंदगी खाणी शुरू कर दिंदा आ। लेकिन जदों घुग्गी नूं भेजिया गया ते घुग्गी फिर मुड़ के आई,
क्योंकि ओदे पैर रखण नूं किते भी जगह नहीं सी, क्योंकि वह गंदगी दे उपर नहीं बैठते। एक पवित्र आत्मा पाया होया मनुख गंदगी वाली चीजा नहीं खाता, ना एक्सैप्ट करता है, कदे भी ना वह पापिया दे विच बहिंदा, ना उठता है। इस गल नूं हमेशा याद रखना। लेकिन बड़े लोग ने निकम्मे जिहड़े की करते आ, वह पापी लोगों विच रहिंदे आ, जाके वह गंदगी वाले लोगों विच रहिंदे हन, जिहड़े मौत दे विच जुड़े हुए हैं। बड़े ही मंदभागे लोग ने जिहड़े खुदा दे वचन तों विछड़ के चले जाते, जिहड़े संगति नूं छड़ के चले जाते, इस पवित्र स्थान नूं चल के छड़ के चले जाते हैं जिथे कि मिलता है जीवन मिलता है, ते ओ लोग बड़े मंदभागे लोग ने जिहड़े संदेश की सेवकाई दे विच आके कह दिंदे ने भी असीं गलती कर दित्ती, असीं संदेश दे विच आ गए। ये सब तो मंदभागे लोग ने जिन्हां दा कोई भी बचाव नहीं। ये लोग यीशु मसीह के लहू तो नाते नहीं हुए। इस गल नूं हमेशा याद रखना। हुण भाई ब्रैनम ने कहा एक घुग्गी नूं नहाउणा नहीं पैंदा, उसके अंदरों एक तरह का तेल निकलता है जिस राही वह साफ बनी रहती है। उसका नहाउणा अंदरों बाहर वल उस तेल द्वारा आप हुंदा है। हुण भाई ब्रैनम ने कहा कि घुग्गी नूं नहाउणा नहीं पैंदा, एक तेल निकलता घुग्गी के अंदरों जिहड़ा की करता आ उन्हूं साफ रखता। तुसीं देखिया कबूतर जां घुग्गी दे खंघ किन्ने साफ हुंदे हन, उह नहांदे नहीं हले, फिर भी उन्हां दे अंदरों एक नबी ने कहा तेल निकलता है। कि तुसीं जाणदे हो एक घुग्गी तेल नाल खुद नूं धोंदी है जो उसदे विचों ही निकलता है। कि तुसीं कदे घुग्गी जां कबूतर आदि नूं फड़ के देखिया है, तुसीं वेखो कि तुहानूं उसदे विचों तेल दी खुशबू आवेगी। भाई ब्रैनम ने कहा तुसीं कबूतर जां घुग्गी नूं फड़ के देखो, उहदे विचों तेल दी खुशबू आवेगी। एक पवित्र आत्मा पाया होया मनुख दे नाल तुसीं संगति करके देखो, तुहानूं उहदे कोलों खुशबू आवेगी। क्योंकि वह संसार तो मरिया होया हुंदा है, एक पवित्र आत्मा पाया होया मनुख, ते पवित्र आत्मा पाए हुए मनुख नूं संसार दे लोक पसंद नहीं करते। इस गल नूं हमेशा याद रखना। चर्च के विच भी इहो जिहे लोग आ जांदे जिहड़े अपने पास्टर नूं कहना शुरू कर दिंदे सानूं गुस्सा चढ़दा नूं देख के, क्योंकि वह शरीरक हन, वह जीवन नहीं बतीत कर पाते जिहड़ा उहनां दा सेवक जीवन बतीत कर रहा हुंदा। इस करके अपने सेवक नूं वेख के गुस्से विच आ जांदे आ। लेकिन खुदा दा वचन कहिंदा इस संसार तो अपने आप नूं खत्म करो। जे तुसीं संसार तो अपने आप नूं खत्म नहीं करदे ते तुसीं बच नहीं सकते। ठीक है ना, इस गल नूं हमेशा याद रखना। आओ असीं कढ़ांगे यूहन्ना 14 देखी, यूहन्ना 14 देखी विच लिखिया है जिसके कोल मेरे हुक्म हन अते ओ उन्हां दी पालना करता है सोई है, जो मैनू प्यार करता है अते जिहड़ा मैनू प्यार करता है ओ मेरे पिता दा प्यारा होवेगा, और मैं उसदे नाल प्यार करांगा अते अपने ताई उस उत्ते प्रगट करांगा। साफ लिखिया है, लोग कहिंदे ने मैं प्रभु नूं प्यार करदा, मैं प्रभु नूं प्यार करदी हां। ओ भाई जे प्यार करदे हो प्यार दा प्रगटावा भी तां कुछ हुंदा आ, गल्लां दे नाल थोड़ी कह सकते असीं प्रभु नूं प्यार करदे हां, कुछ करके भी विखाना पैंदा है। ठीक है ना, और इस करके साफ ते स्पष्ट लिखिया गया है जिसके कोल मेरे हुक्म हन अते उन्हां दी पालना करता है सोई है, जो मैनू प्यार करता है, ते जिहड़ा मैनू प्यार करता है वह मेरे पिता का प्यारा होवेगा। इस गल नूं याद रखना, इस आयत नूं याद रखना जो पढ़ाई गई है यूहन्ना 14:21 विच लिखिया है, जिसके कोल मेरे हुक्म हन वह उन्हां दी पालना करता है। जिदे कोल हुक्म हन ना खुदा दे वह पालना करता हुक्मां दी। वह लोग चर्च छड़ के अपने सेवक नूं छड़ के संसार नूं खुश करने जांदे भी संसार नूं खुश करांगे। जे तुसीं संसार नूं खुश करन लई जा रहे हो तुहानूं कुछ भी प्राप्त नहीं होवेगा। संसार ने कदे किस नूं कुछ नहीं दिता। संसार दे विच्चों हमेशा मौत मिलती है, इस गल नूं याद रखना। लेकिन खुदा दे कोल की है, जीवन है। ईटो नू किश्ती का प्रचार कर रहा सीगा संसार दे विच, ते लोकां ने विश्वास नहीं किया।
उन्होंने टेक्नोलॉजिया पर विश्वास किया, साइंस के उपर विश्वास किया, सारे के सारे मारे गए। लेकिन नूह ने ते नूह दे परिवार ने जो विश्वास किया तो बचा ले गए, क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन के उपर विश्वास किया, खुदा के वायदे उपर विश्वास किया। जो खुदा के वचन के उपर वायदे उपर विश्वास करता है वह बचाया जाएगा। लेकिन तुम अब देखो कि लोग ना शुक्रे हैं, घमंडी हैं, नमक हराम हैं, वचन के वैरी हैं, कितना के लोगों के सुभाव हैं जिहड़े खुदा दे विच चलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चलना चाहते? क्योंकि उन्होंने अंदर घुग्गी वाला सुभाव नहीं हले तक आया। जब तक घुग्गी वाला सुभाव किसी के अंदर नहीं आता वह मनुख बदल नहीं सकता, जब तक घुग्गी वाला सुभाव नहीं आता। ठीक है ना, क्योंकि घुग्गी के अंदर किता नहीं हूँ, घुग्गी कदे भी गलत चीज़ों को नहीं खाती। लेकिन जो कां है, जो किसी के अंदर कां वाला सुभाव है, उन्हें संसार की गंदगी भी खाई जानी, चर्च भी जाई जाना, लोगों को भी खुश करी जाना, नौवां रिश्तेदारी सारा खुश करी जाना, उन्होंने है ताए चाचे भूआ फुफड़ जिहड़े देखिए सब खुश करने, खुदा भी खुश करना, ये वो लाइफ नहीं है। या तो संसार या फिर खुदा, एको ही नहीं खुश कर सकते। दो किश्तियां च पैर रख के तुसी यर्दन नू पार नहीं कर सकते, इस गल हमेशा याद रखना। नबी ने कहा खुदा लोगों तो अप्रसन्न सी, उसका भड़किया होया गुस्सा रोकिया नहीं जा सकता सीगा। नूह दे समय विच लोगों के उपर खुदा का जिहड़ा गुस्सा सी बहुत ज्यादा भड़किया होया सी, खुदा का गुस्सा लोगों के उपर, क्योंकि उसने पहला ही कहा सी जिस दिन तू उस फल विचों खावेगा उस दिन तू जरूर मारिया जाएगा। खुदा ने नूह ते कृपा की, नूह ने उसकी हदायतियां अनुसार एक किश्ती बनाई और उस किश्ती विच उसनु पानी तो उपर उठा लिया गया। खुदा की हिदायत नूह दे कोल सी, जे तुसी भी हिदायत के अनुसार नहीं चलते कदे भी बचाए नहीं जाऊंगे, क्योंकि संसार एक पानी है ते नूह वांगू तुहानू हिदायत के उपर चलना पवेगा, एक किश्ती की उसारी करनी पवेगी जिस दे विच बैठ के तुसी संसार दे पानी तो बच सकते हो। उन्हां लोगों ने कहा यह पागल जिहा बुढ़ा उपर पहाड़ ते किश्ती बना रहा है अते कह रहा है मीह पैन जा रहा है, जबकि पहला कदे भी मीह नहीं पिया सी। नूह ने कहा सी जो भी होवे मीह पैन जा रहा है। नूह कहता सी मीह पवेगा, लेकिन उस समय के साइंटिस्ट की कह रहे सी कोई भी वर्खा नहीं आवेगी। हुण अज तुसी संसार दे नाल चलना चाहते हो, जिहड़ा संसार कहता कोई गल नहीं कोई रैप्चर नहीं होना, एवें हमारी एम दे भाई ब्रह्म आ गया, भाई ब्रह्म आ गया, सिख्या लैके आया है, खुदा का संदेश लैके आया है, है कुछ नहीं होना, सब ने बच जाना, अज लोग ये कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें साफ ते स्पष्ट दसना चाहता है नूह दे समय वाला समा है। जे खुदा ने कहा भाई विलियम ब्रैनम दे संदेश द्वारा तुसी बचोगे तो यह सच ते अमीन है, जिहड़ा भी कोई भाई ब्रैनम दे संदेश नूं ठोकर मारता है वह खत्म, वह अपने आप नूं मौत दे विच प्रवेश करा चुकिया है, जिहड़ा भी भैण भाई नबी दे संदेश नूं ठोकर मारता है। इस करके कोई भी किसी बचा नहीं सकता, भुलेखा हुंदा है भी कोई सोचे मैं अपने प्यो नूं बचा लूँ, मैं अपनी माँ नूं बचा लूँ, अपने भरावां नूं बचा लूँ, अपने ताए चाचे नूं बचा लूँ, कोई किसी बचा नहीं सकता जदों तक आप खुदा उहदी अगवाई ना कर दे, कोई किसी नहीं बचा सकता। यह भुलेखा है बंदे का भी कोई सोचता भी असीं किसी बचा लवेंगे, कोई मनुख किसी बचा नहीं सकता जदों तक खुदा ही उस मनुख ते कृपा ना कर दे। तुहानूं पता चुने हुए लोग, जिहड़े लोग चुने हुए ने संसार की जगत की नींह धरन तो पहलों ही चुने जा चुके हैं, इस गल नूं याद रखना। किसी के जोर लाने नाल कोई नहीं बचाया जा सकता। तुसीं देखो लोगों के जीवन, बड़े लोगों इस स्थान दे विच लिआंदा गया, संदेश दस्या गया, एक एक दो दो साल तीन तीन साल लोगों ने इत्थे चर्च अटेंड किया, उहदे बाद लोग फिर बैकस्लाइड हो गए, कुत्ते वांगू संसार की उल्टी नूं फिर उन्होंने खा लिया जा गया। एहो एहो जिहे लोग सीगे, जिहदे उपर किरपा आ उही बचाया है। ठीक है ना, जगत की नींह धरन तो पहलों जिहदे उपर खुदा ने किरपा की है, जिहदे नाम
जगत की नींह धरन तो पहला ही उसके ख्याल विचार में सी उही लोग बचाए हुए ने, बाकी कोई बचा हुआ नहीं। नबी ने कहा, नूह ने कहा सी, जो भी होवे मीह पैण जा रहा है, फिर बदल की राय मीह पैना शुरू हो गया, उजाड़ा पैण लगियां, डूंगे सोतियां ते पानी निकलना शुरू हो गया, आसमान दे झरोखे खुल गए, पानी डिगण लगा, अखीर विच लोग अपने घरां विच वड़ गए अते कोठियां ते चढ़ गए अते पुरानी किश्ती उत्ते उसे तरह अंडोल खड़ी रही अते पुरानी किश्ती उसे तरह अंडोल खड़ी रही। बाद विच जद बहुत पानी किश्ती दे चुफेरे इकट्ठा हो गया तां ओह उपर उठदी गई, लोकां ने दरवाजा खड़काया। हुण की लोग कर रहे हैं, दरवाजा खड़का रहे हैं, खोल दो खोल दो खोल दो। नूह नूं कह रहे हैं साडे लई दरवाजा खोल दो। हुण दरवाजे नूं नूह ने बंद नहीं सी कीता, वी जिहड़ा नूह खोल दिंदा दया करके, उस दरवाजे नूं खुद प्रभु यीशु मसीह ने बंद कीता सीगा, क्योंकि किश्ती दे अंदर खुद प्रभु यीशु मसीह सीगा। ओह उपर उड़दी गई, लोगों ने दरवाजा खड़काया, चीखे चिल्लाए, पर कुछ लाभ ना होया। नूह उस दरवाजे नूं खोल नहीं सी सकदा, उसनूं खुदा ने बंद कीता सी, उसनूं तां सिर्फ खुदा ही खोल सकदा सी। हुण एक दिन भी इसे तरह होवेगा, जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, लोगों ने कहना प्रभु जी सानू भी उठा लै, लेकिन उन्होंने कोई भी आवाज सुनी नहीं जाएगी। जिस दिन रैप्चर हो गया, इस दुनिया के उपो किरपा भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अज किरपा का युग है, खुदा किरपा कर रहा है, दया कर रहा है। लेकिन जिस दिन कोई मनुख इस संसार को छड़ के चला जाता है, जे अज मान लो कोई बंदा कोई भैन भाई संदेश को ठोकर मारदा ते ओदी मौत हो जाती है, ते ओ बंदा खत्म। ते एक दिन जो रैप्चर हो जाएगा, जिहड़े लोग रह जाएंगे, जिन्हां ने संदेश के अनुसार जीवन नहीं बतीत किया, जिन्हां दे कोलों तेल नहीं सी, पवित्र आत्मा नहीं सी, वो लोग उस दिन लोगों ने चीका मारनिया है प्रभु साडे लई खोल साडे लई खोल, लेकिन उन्हां दी कोई भी आवाज सुनी नहीं जाएगी। नूह दी किश्ती का दरवाजा जो प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दिता, लोग चीखे चिल्लाए, लोगों ने कहा असी विश्वास करते हैं जो तू कहा सी सच कहा सी, लेकिन समा खत्म हो चुका सीगा, और लोग खुद मौत के मुँह च गए सी, प्रभु ने नहीं सी मारिया उन्होंने। जे असी कहीए खुदा ने उन्होंने मारिया, खुदा ने नूह दे समय एक भी मनुख नू नहीं मारिया, सब दे सब लोग खुद मारे गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप नू उस न्याय दे लई तैयार किया सी। ठीक है ना, इस गल नू याद रखना हमेशा। यही साड़ी अज दी किश्ती यीशु मसीह दे नाल है, भाई ब्रैनम कहिंदे यही साड़ी किश्ती यीशु मसीह दे नाल है, खुदा ने कलवरी क्रूस ते साडे लई दरवाजा खोल दिता है। भाई ब्रैनम कहिंदे खुदा ने कलवरी क्रूस ते साडे लई दरवाजा खोल दिता है, जिवें उसने खोलिया है यकीनन ही उसनू बंद भी करेगा। जे यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस ते अपना लहू बहा के दरवाजा खोलिया, ते एक दिन उस दरवाजे नू यीशु मसीह बंद भी करेगा। जिस दिन रैप्चर हो गया, वो दरवाजा भी बंद, फिर लोगों को मरना पैना। भाई ब्रैनम ने कहा एक एक मिजाइल के उपर एक एक मनुख का नाम लिखा होया है। जेड़े लोग अज भुलेखे बैठे है ना, भी असं नहीं मानते नबी के संदेश को, उन्होंने लोगों के नाम कली कली परमाणु मिजाइलों के उपर लिखा होया है। इनिया मिजाइल रूस के कोल हैं, होर देशों के कोल हैं, जो वर्ल्ड वार लगेगा वो मिजाइल लोगों के उपर डिगड़िया आके, वो मिजाइलों के उपर लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने समय के संदेश को ठोकर मारी है। जिदा नूह के समय लोग पछताए से, उस समय भी लोग पछताएंगे, लेकिन कोई भी कृपा उन्होंने पड़ी, क्योंकि कृपा इस संसार तो उठाई जाएगी। भाई ब्रैनम कहते जिस तरह मसीह के नाल है, यही साड़ी असली किश्ती यीशु मसीह के नाल है, खुदा ने कलवरी क्रूस से साडे लिए दरवाजा खोल दिता, अते जिवें उसने खोलिया है यकीनन ओही उसनू बंद भी करेगा। एक दिन खुदा ने जड़ी कृपा का रास्ता खोलिया है कलवरी क्रूस के द्वारा, उस कलवरी क्रूस के दरवाजे नू वो बंद कर देगा। जिहड़ी अज लोगों की कृपा हो रही है, कृपा बंद हो जाएगी। अज उही समा आ
ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਢੀਠ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਦਾ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਕਿਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰੱਖ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਘੁੱਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਤੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੂਹ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਲਜਾਹਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ, ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਤੋਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨੂਹ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਭੋਜਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਖਿੜਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰੂਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਰੂਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਐਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪੰਛੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਘੁੱਗੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਦੇਹ ਤੇ ਉੱਛਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
लेकिन ये दोगला जीवन है मेरे भैन भाई, तुम बच नहीं सकते इस तरह के जीवन को, ठीक है ना। वो एक मुर्दा देह तो दूजी देह से उछलता फिरता रहा, गलिया सड़िया लोथां खा के पूरी तरह संतुष्ट हो गया जो पानी से तैर रही सन। इसलिए कुछ दिन होर बीते, फिर कोशिश की बाहर की हालत है, तो फिर की होया एक घुग्गी दी, एक घुग्गी नू बाहर भेजा गया। एक घुग्गी की आदत वखरी सी, वो इल नहीं सी, वो ना ही गंदगी ते गले सड़े भोजन नू खाण वाली सी, वो तो सिर्फ शुद्ध चीजा नू ही खा सकती सी। कां तां चला गया, लेकिन नू ने फिर घुग्गी नू भेजा, अते क्योंकि उसनू अपने पैरां दीआं तलियां रखण लई जिहा कोई शुद्ध स्थान ना मिलिया, तां वो पूर्ण संतुष्ट भाव नाल किश्ती विच मुड़ आई। नू ने कहा, पानी अजे भी घटिया नहीं। हुण कां सीगा गंदगी खा रहा सीगा, वापस नहीं आया, क्योंकि उस संसार की गंदगी दे लई बणिया आया, ठीक है ना। कुछ लोग हन जिहड़े चर्च विच आंदे हन, लेकिन फिर संसार की गंदगी खाण लई बाहर चले जाते हन। वो कां दा सुभाअ लैके फिर रहे हन, लेकिन जिन्हां कोल घुग्गी दा सुभाअ है, वो गंदगी नूं वेख के फिर तौबा करदे हन ते फिर किश्ती विच प्रवेश कर जांदे हन। खुदा दे नाम की महिमा होवे, खुदा दे नाम नूं वडियाई मिले, क्योंकि जिहड़ा अज संदेश प्रचार किया गया घुग्गी ते कां दे सुभाअ ते प्रचार किया गया वी कितना दे लोकां दे जीवन आ, ठीक है ना। इस करके तुसीं देखो लोकां दे जीवन बड़े ही गलत निकम्मे हन। हुण असीं कट्टांगे पहला यूहन्ना 2:15। पहला यूहन्ना 2:15 विच लिखिया है, संसार ना मोह ना रखो, ना उन्हां वस्तां नाल जो संसार विच हन। जे कोई संसार ना मोह रखता होवे तां उसदे विच पिता दा प्रेम नहीं। जे कोई संसार नाल मोह रखता वह कां आ, इस गल नूं याद रखो। जे कोई रिश्तेदारियां दे नाल मोह रखता ना, कि मैं रिश्तेदारियां खुश कर लूं, कां दा सुभाअ आ उहदे विच, ठीक है। क्योंकि सबो कुछ जो संसार विच है, अर्थात शरीर की कामना, नेत्रां दी कामना, जीवन दा अपमान, सो पिता तो नहीं तो संसार तो है, अते संसार नाले उसकी कामना बीती जांदी है। पर जेड़ा खुदा दी इच्छा उत्ते चलता है, वह सदा तीय कायम रहेगा। जेड़ा मनुख खुदा दी इच्छा उपर चलता है, वह सदा तीय कायम रहेगा। ते जे ताड़ा सुभाव घुग्गी दा सुभाव है, तो तुसी सदा तीय कायम रहोगे। खुदा दे नाम नूं महिमा मिले, आओ सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की वडियाई करदा सचमुच खुदा बंदा। अज बहुत सारे लोग हैं खुदा बंदा, जिन्हां दे अलग अलग सुभाव हैं खुदा बंदा, कुछ कां दा सुभाव लई फिरदे हैं खुदा बंदा, लेकिन धन वह मनुख है जिहदे कोल घुग्गी दा सुभाव है, क्योंकि खुदा बंद तेरे नबी ने कहा है घुग्गी दे अंदर पिता नहीं हुंदा, वह गलत चीज़ां नूं खा नहीं सकदी। ते सचमुच मेरे महान पिता, तेरे पवित्र आत्मा पाए हुए लोग खुदा बंद गलती विच नहीं चल सकते खुदा बंदा, वह गलत चीज़ां नूं अपने अंदर नहीं लै सकते प्रभु जी। लेकिन जिहड़े कां दा सुभाव लई फिरदे हन प्रभु जी, वह सब कुछ खा लैंदे हन, घुग्गी दा खाणा भी खा जांदे हन, ते गंद मंद भी खा लैंदे हन। इह सब तों प्रभु जी भैड़े ते खुदावन भयानक लोग हैं खुदावन, जिन्हों मैं ढोंगी विश्वासी के नाम तो पुकार सकता हाँ खुदावन, वो ढोंगी लोग हैं खुदावन जिहड़े चर्चा में आ के खुदा तेरे वचन का भी आनंद लै लेंदे हैं, ते बार फिर जाके संसार का भी आनंद लेंदे हैं खुदावन। तो यह लोगों को कदे पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे महान पिता मैं प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हाँ, तू अपने दुल्हन को घुग्गी का सुभाअ दिता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तेरी दुल्हन संसार की गंदगी नहीं खाती, तेरी दुल्हन तेरे वचन के विचों खाती है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू यह जहाँ उन्होंने बढ़ा दिता है खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करता जिन्हों लोगों ने जिन्हें भैन भाइयों ने प्रभु जी वचन सुनिया है प्रभु जी, उन्होंने जीवन को बदल दे प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने सुभावों को बदल दे, दया कर कृपा कर। जिन्हें बीमार हैं परेशान हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने बीमारियां परेशानियों तो उन्होंने छुटकारा दे, दया कर कृपा कर। तेरा वचन जीवन दिता है, तेरा वचन शांति दिता है, तेरा वचन नरोया करता है, तो मैं विश्वास करता जो कोई इस वचन को एक्सैप्ट करेगा खुदा बंदा वो नरोया किया जाएगा प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर जलाल महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।